दीपावली के अवसर पर आगजनी की घटनाओं को रोकने को लेकर जिला अग्निशमन विभाग अलर्ट मोड पर है। दीपावली के अगले दिन तक अग्निशमन विभाग की टीमें जिले में खास सतर्कता पर रहेंगी ताकि लोगों की खुशियों में खलल ना पड़े। दीपावली में आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए जिला अग्निशमन विभाग ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। कोविड संक्रमण के बाद पहली बार दीपावली को लेकर बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। अग्निशमन विभाग के अधिकारियों के अनुसार जिले में अग्निशमन दस्तों को कई स्थानों पर दीपावली की ड्यूटी के लिए तैनात किया गया। ये दस्ते अगले 3 दिन तक विशेष सतर्कता बरतते हुए काम करेंगे। हमारे पास अवेलेबल मने की 3 बड़ी गाड़ी और 10 छोटी गाड़ी है, जिससे हम शहर का मने की उसमें 10 गाड़ी जो है सो सभी थाना में उपलब्ध है, एकदम प्रजेंट है, टेबल मुस्तैद है। और यहाँ भी मने की जो बड़ी गाड़ी है और यहाँ पे यार सभी फायरमैन चालक सभी अलर्ट मोड में है। और अभी इधर अब दशहरा बीत गया है लेकिन हम लोग और एक्टिव हो रहे हैं अभी दीपावली और छठ के लेके, और उसमें भी पूजा पंडाल जो बन रहा है उसको निर्देशित किया जा रहा है, उद्घोषणा पत्र प्रदर्शित करने के लिए कह रहा है। पूजा पंडाल जो बन रहा है उसको फायर रिटार्डेंट सॉल्यूशन से उपचारित करके पंडाल लगाने के लिए कहा जाएगा भी और कह भी रहे हैं। पटाखा मंडी पर क्या निर्देश? पटाखा मंडी में मैंने कि वहाँ पर जो दुकान है उसको मैंने कि निर्देशित किया गया है कि सभी को कि मैंने दो फायर एक्सटिंग्विशर और फायर बाल्टी रखने का निर्देश दिया गया है और रखा हुआ है भी, हम देख लिए हैं इसको। लेकिन और भी अलर्ट है और वहाँ पर एक गाड़ी भी हम प्रतिनिधित्व करेंगे, उसमें दीपावली के समय में भी करेंगे वहाँ। हाँ रहेगा वहाँ पर। आम लोगों से क्या अपील रहेगी? आम लोगों से अपील स्मार्ट सिटी योजना के तहत सिकंदरपुर रेस स्टेडियम में पुनर्विकास योजना की मियाद अगले साल मार्च 2023 तक बढ़ा दी गई। सिकंदरपुर स्टेडियम के निर्माण पूरा करने के लिए एजेंसी को करीब 10 महीने का अतिरिक्त समय दिया गया। बता दें कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत सिकंदरपुर स्टेडियम को संवारने की योजना पर काम चल रहा है। स्टेडियम के पुनर्विकास पर 19 करोड़ 36 लाख खर्च हुए। बीते 23 फरवरी 2021 को वर्क ऑर्डर दिया गया था। शर्तों के मुताबिक 15 महीने यानी 22 मई 2022 तक काम पूरा करना था, हालांकि अब तक आधा काम भी नहीं हुआ है। स्थिति को देखते हुए निर्माण एजेंसी ने मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड से काम पूरा करने के लिए और समय की मांग की। वहीं डीएम प्रणव कुमार ने कहा कि कतिपय कारणों से स्टेडियम निर्माण कार्य की अवधि बढ़ा दी गई है। बढ़े हुए तय समय सीमा में स्टेडियम का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए एजेंसी को निर्देश दिया गया है। जितने भी कार्य होने थे सभी का टेंडर हो चुका है और टेंडर के पश्चात सभी को कार्यादेश निर्गत हुआ है। कतिपय कारणों से कुछ परियोजनाओं में समय विस्तार दिया गया है, इसको लगातार मॉनिटरिंग करके यथासंभव यथाशीघ्र पूर्ण कराने का निर्देश भी दिया गया और मेरे द्वारा भी इसकी समीक्षा भी आज की जा रही है। और ये लगातार हम लोग प्रयास करेंगे कि जो निर्धारित अब समयावधि बढ़ाई गई है उस समयावधि में निश्चित रूप से गुणवत्तापूर्ण कार्य संपूर्ण किया जा सके। नेहरू युवा केंद्र की ओर से आरडीएस कॉलेज परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इसके तहत कॉलेज परिसर में साफ सफाई कर लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक से होने वाली हानि के बारे में जानकारी दी गई। स्थानीय लोगों को साफ सफाई और प्लास्टिक के इस्तेमाल से बचने के लिए जागरूक किया गया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत नेहरू युवा केंद्र स्वच्छता पखवाड़ा मना रही है। युवा केंद्र की तरफ से लगातार अलग अलग स्थानों पर स्वच्छता अभियान चलाकर लोगों को सफाई के प्रति जागरूक किया जा रहा है। नेहरू युवा केंद्र के द्वारा स्वच्छ भारत 2.0 के तहत स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत स्वच्छता पखवाड़ा चलाया गया, जिसके तहत रामदयाल सिंह महाविद्यालय में जगह जगह पर सफाई अभियान चलाया गया। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक हमारे समाज हमारे वातावरण पर कितना दूषित प्रभाव कर रहा है, उसका विनाश करना नामुमकिन है, लेकिन उसका हम लोग रेगुलर उपयोग में ला रहे हैं। इसीलिए हम लोग लोगों के बीच में जाके जागरूकता करेंगे कि इसका कम से कम उपयोग करें और जितना ज़्यादा हो सके हम लोग प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें और